हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंतज़ार और आप देख रहे हैं गेट क्लास मैक। ये क्वेश्चन डेट 2018 में मॉर्निंग शो सेशन में आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या था कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ था ए इक्वल टू, उसके बाद बोला था फाइंड इट्स रैंक, मतलब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके बाद बोला उसका रैंक फाइंड करने के लिए। ये रैंक निकालने का बहुत सारा मेथड है, इसमें आप क्या करेंगे ये स्टेप फॉलो करें। तो जैसे 3x3 मैट्रिक्स था, इसमें मैक्सिमम कितना रैंक 3 हो सकता है, लेकिन कब होगा जब वो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सिंपल मेथड से डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए -4 उसके बाद 1 कर लेते हैं, -1 इसको तो हो गया -1 +7, उसके बाद फिर -1 3 +7, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। 16 ये -6 -10 मीन्स 0 हो गया। मीन्स डिटरमिनेंट ए ए इक्वल टू 0 मीन्स रैंक इसका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 नहीं होते, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो इसका रैंक 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा, मतलब मेरे 2 होगा, 2 होगा 100% श्योर। कैसे हो सकता है 2 होगा, क्यों ऑप्शन में तो सब 1 2 3 4, 4 तो होगा ही नहीं, ये तो फालतू तो ऑप्शन था, ये इसका तो कोई चांस ही नहीं है। इसमें 3 भी चेक ही कर लिए, 3 भी नहीं हो सकता है, तो अब इसमें 1 और 2 में दोनों से कैसा हो सकता है। तो देखो इसमें क्या था, 3x3 मैट्रिक्स है तो 3 रैंक तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसका डिटरमिनेंट 0 है। अब देखो, अब इसका 2 होगा या 1 होगा वो चेक करने के लिए इसको क्या करना है, आपको दो दो मैट्रिक्स लेके सपोज इतना सा लेके चेक कर लो, दो तीन चेक करेंगे इसका पता चल जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो माइनस, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 इन दो गुना दो इतना सा मैट्रिक्स का, तो 4 + 1 5, मतलब 2x2 में भी नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, इसका रैंक क्या होगा, 2 होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जल्दी, या तो फिर इसका ऑपरेशन रो कॉलम ऑपरेशन लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्लॉन फॉर्म द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा तो उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे।